कल के लेक्चर में हम लोगों ने साइकस का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था, और उसके अलावा आपको फील्ड में मैंने साइकस के मेल प्लांट और फीमेल प्लांट की मॉर्फोलॉजी बताई थी। मेल प्लांट के अपेक्स पर कोन होता है, कोन डेवलप होता है, मेल कोन 40 से 50 सेंटीमीटर लंबा होता है, 40 से 50 सेंटीमीटर लंबा, सॉलिड और स्पिंडल शेप्ड का होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोन एक्सिस के चारों तरफ माइक्रोस्पोरोफिल स्पाइरली लगे होते हैं। कई बार किसी किसी स्पीसीज में जो बिल्कुल बेस वाले माइक्रोस्पोरोफिल और अपेक्स वाले माइक्रोस्पोरोफिल स्टेराइल होते हैं, और ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है के आधार, माइक्रोस्पोरोफिल को हम देखते हैं कि इस आधार पर ये संकरा होता है, और आधार पर ये संकरा होता है, और हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ ये चौड़ा होता है, और अंतिम सिरा एक लंबी एपोफाइसिस के रूप में होता है। साइकस का जो माइक्रोस्पोरोफिल है डोर्सी वेंट्रल होता है, वेंट्रल सरफेस पर सोराई पाई जाती है। डोर्सल सरफेस पेरेंकाइमेटल सेल्स से बनी होती है, और इसमें म्यूसिलेजिनस डक्ट्स पाई जाती हैं। इसी तरह से वेंट्रल सरफेस पर माइक्रोस्पोरेंजियल सोराई पाई जाती है। हर सोराई में 2 से 7 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। जिसे ये जो सोराई होती है इसमें सेंट्रल पेपिला है, और इस तरह से स्पोरेंजियम की हमें एक डहिसेंस लाइन भी दिखाई देती है। इस तरह से ये स्पोरेंजियम मिलकर एक सोराई का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कि किस तरह से बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। ये सेंट्रल एक्सिस है जिसे कोन एक्सिस कहते हैं, और इसके चारों तरफ ये माइक्रोस्पोरोफिल लगे होते हैं। ये माइक्रोस्पोरोफिल के डोर्सल सरफेस है, और वेंट्रल सरफेस पर माइक्रोस्पोरेंजियम लगे होते हैं। अब हम अगर इस माइक्रोस्पोरोफिल का ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें तो हमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि इसकी ये जो डोर्सल सरफेस है ये पेरेंकाइमेटल सेल्स की बनी होगी, और इसमें म्यूसिलेजिनस डक्ट्स पाए जाते हैं। म्यूसिलेजिनस डक्ट्स का पाया जाना इसमें साइकस प्लांट का एक पहचान का लक्षण है, और इसकी वेंट्रल सरफेस पर इस तरह से स्पोरेंजिया लगे होते हैं। और स्पोरेंजियम का जब हम डेवलपमेंट देखते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यू स्पोरेंजियम टाइप का होता है, यानी एक से माइक्रोस्पोरोफिल की सरफेस पर पाई जाने वाली एक से अधिक सेल्स माइक्रोस्पोरेंजियम के डेवलपमेंट में भाग लेती हैं, और इस तरह के डेवलपमेंट को यू स्पोरेंजियम टाइप का डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल दोनों तरह के डिवीजन होते हैं। पेरिक्लिनली डिवाइड होकर ये स्पोरेंजियम की वाल बनाते हैं। इसकी वाल में हम देखते हैं कि तीन तरह की स्पोरेंजियल की जो वाल है ये तीन तरह के लेयर्स से बनी होती है। सबसे बाहर की लेयर एक्जोथीसियम है, और इसके बाद मेजोथीसियम, और सबसे एंड में एंडोथीसियम पाई जाती है। स्पोरेंजियल वाल की जो इनर मोस्ट लेयर है वो टेपिटम कहलाती है। टेपिटम एक न्यूट्रिटिव लेयर है, और ये डेवलप हो रहे स्पोर्स को न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करती है। इस तरह से हम यहाँ पर यू स्पोरेंजियल टाइप का डेवलपमेंट देखते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनती हैं, और बाहर की तरफ प्राइमरी वाल सेल्स बनती है। स्पोरोजिनस सेल्स में रिपीटेडली डिवीजन होते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में रिपीटेडली डिवीजन होते हैं, और स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण होता है। स्पोरोजिनस सेल्स या स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल
माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती है। ये सारे माइक्रोस्पोर्स हैं। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोरिंजियम का डेवलपमेंट होता है। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में म्यूटिक डिवीजन होता है और म्यूटिक डिवीजन होने से यहाँ पे हैप्लोइड, हर सेल्स से हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का डेवलपमेंट होता है। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स फिर जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम मेल कौन माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर्स किस तरह से पाए जाते हैं उसका हमने अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम मेगास्पोरोफिल और मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है वो पढ़ेंगे।